व्रज नगरी वैसे तो धर्म नगरी और मंदिरों की नगरी कही जाती है, लेकिन मथुरा नगरी में एक मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर, जो कि भूतेश्वर पर स्थित है। वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा मंदिर के फर्जी कागज़ बना करके मंदिर बद्रीनाथ पर डाल दिया गया था ताला। पुजारी को भी मारपीट करके दिया भगा, लेकिन मीडिया की नज़र और समाज सेवियों की नज़र के कारण बच गया बद्रीधाम मंदिर। अन्यथा जिस तरह से शिव मंदिर को खंडित किया था, उसी तरह से प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर को भी खंडित कर देते भूमाफिया। मीडिया की और समाज सेवियों की सजगता के कारण बचा बद्रीधाम मंदिर। और शनिवार को मीडिया कर्मियों ने और समाज सेवियों ने संकल्प लिया था कि अगर इसका ताला नहीं खुला तो होगा बड़ा आंदोलन। उसी दिन में दोपहर को भूमाफिया फेंक गए थे मंदिर में ही चावी, और उसके बाद खुला बद्रीधाम मंदिर का कपाट और हुए दर्शन और हुआ अभिषेक। जानिए वहाँ के समाजसेवी और भक्तों द्वारा किस तरह से मंदिर पर ताला डाला था और किन लोगों ने इसकी ये हालत की थी। समाजसेवियों ने हमें बताया कि किस तरह से इस मंदिर को हड़पने की भूमाफियाओं की थी प्लानिंग और किस तरह से इसको बचाया गया। सर शुभनाम आपका, और क्या कारण था आज ये भूतेश्वर मंदिर पर? क्या देखिए, नाम पंडित संजय हरियाणा, और आज भूतेश्वर पर बद्रीधाम मंदिर में आज भव्य दिव्य और अभिषेक का कार्यक्रम हुआ। निश्चित तौर पर पिछले शनिवार आपने देखा होगा सभी चैनल और पेपरों के माध्यम से, इस मंदिर के आगे के भाग के शिव परिवार के मंदिर को पूरा तोड़ दिया गया था। शिव परिवार टूटा हुआ है, दो मूर्तियों के अलावा सारी मूर्तियां टूटी हुई है। निश्चित रूप से एक मुहिम चली और पिछले बुधवार को ये कहा गया 3 दिन का अल्टीमेटम कि अगर ताला नहीं खुलता है तो हम यहाँ सभी भक्त बैठ के धरना देंगे। ठाकुर जी की कृपा हुई, कल भजन कीर्तन का कार्यक्रम था और वहाँ शेषनाग की मूर्ति के पास में चाबी हमको पाई और ठाकुर जी ने कृपा करी। आज शनिवार को FIR हुई और शनिवार को ही मंदिर खुला कल, और निश्चित तौर पर आज आप देख रहे हैं सभी धर्मों पर भी जनता सर्वसर्वभाष के माध्यम से हम सब लोग यहाँ हंसी खुशी आज बड़े हर्ष के साथ में भव्य दिव्य और अभिषेक का कार्यक्रम जो किया गया है। और आज से ये मंदिर पूर्ण रूप से जनता के प्रति जो पहले से समर्पित था आज भी समर्पित है। मथुरा ही नहीं वरन सारे संसार की धर्म प्रेमी जनता जो परिक्रमा देने के लिए 84 कोस की पहले भी आती थी और यहाँ आकर विश्राम करती थी, उन्हें बद्रीनाथ धाम को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि सभी लोग आके यहाँ पे दर्शन भी करें और बैठे जैसे पहला बैठक हुआ करती थी, क्योंकि 84 कोस परिक्रमा में निश्चित तौर पर बैठक का व्यापार है। भूतेश्वर के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात ये माना जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन किए बिना भूतेश्वर के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो मैं सभी धर्म प्रेमी मथुरा की जनता से भी निवेदन करूंगा, वे यहाँ आए भूतेश्वर दर्शन के पश्चात बद्रीनाथ धाम मंदिर के जरूर दर्शन करें। बोल बद्रीनाथ धाम की जय। क्या कहेंगे कि जैसे कि बद्रीनाथ भगवान के मंदिर पर ताला डाल दिया गया था तो धर्मियों द्वारा, आज सभी लोगों के सहयोग से सभी मार्केट की आसपास जो भी जितनी व्यापार बंधु हुए हैं व्यापारी बंधुओं के सहयोग से आज यहाँ ठाकुर जी का पंचामृत किया गया। सुबह 8 बजे का समय दिया गया था, पंचामृत अभिषेक किया गया, उसके बाद ठाकुर जी की पोशाक बदली गई, उसके बाद उनको जो है यज्ञ प्रवेश किया गया, उसके बाद जो है प्रसाद वितरण हुआ, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। मेरा सभी से ये कहना है कि आप बद्रीनाथ धाम पे अवश्य पधारें। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप जैसे कि किसी परिवार में किसी का देवासान होता है तो ब्रज की परिक्रमा लगाई जाती है, मथुरा की परिक्रमा लगाई जाती है। और आप जानते हैं कि जैसे कि देवासान के बाद आप लोग कहाँ जाते हैं? विष्णु मंदिर में जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं। तो ये वही बद्रीनाथ धाम है, एक काफी प्राचीन स्थल है। सभी से निवेदन कि यहाँ पर जरूर पधारें, ठाकुर जी की दर्शन करें, और बहुत ही भव्य और दिव्य ऐतिहासिक मंदिर है। आज जब जिस प्रकार से ठाकुर जी के वस्त्र बदले गए तो ठाकुर जी आप देखेंगे साक्षात मूर्ति में इतना तेज है, और ठाकुर जी जो है गरुड़ महाराज के ऊपर विराजे हुए हैं। आप देखिए ठाकुर जी जो है गरुड़ महाराज के ऊपर विराजे हुए ये मूर्ति है, और ये बेशकीमती मूर्ति है। जिला प्रशासन से ये भी निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसकी इस जगह पे नजर भू माफिया की है, तो मूर्ति चोरों की भी इस जगह पे नजर है।
क्योंकि ये मंदिर पे प्रशासन की हमको बहुत मदद की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हमारा फिर ये निवेदन है कि ये मूर्ति गायब कर दी जाए। इस वजह से मेरा सभी से निवेदन है, शासन प्रशासन से इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और हमारा सभी धर्म प्रेमी जनता से ये निवेदन है कि इस तरह से हमारा संबल बनाए रखे, हमारा साथ देते रहे। जय श्री राम। सर क्या कहेंगे विधर्मियों द्वारा जिस तरह से बद्रीनाथ मंदिर पर ताला डाल दिया गया और जमीन को उर्ध-उर्ध करने की कोशिश की गई? मैं पंडित राजेश अग्निहोत्री भगवता सर, विधर्मियों का काम, हर जगह विधर्मी मिलते हैं और हर जगह रहते हैं, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि केवल ये संकल्प लिया गया था कि यहाँ शनिवार के दिन कार्यक्रम होगा, कीर्तन रखा जाएगा सभी भक्तों के द्वारा। और कल जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पर चाबी ताला लगा हुआ था, विधर्मियों के द्वारा ही ये ताला डाल दिया गया था। चाबी जो है यहाँ प्राप्त हो गई, उससे खोला गया। कल इत्र का पहले अभिषेक किया गया, कल बहुत अंदर गंदगी थी लेकिन साफ सफाई करके। और कल अनेक संगठनों के, सनातनी धर्म के लोग, अनेक संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित हुए और मातृशक्ति एकत्र हुई। मातृशक्ति का भी बहुत सहयोग रहा, काफी देर तक यहाँ कीर्तन वगैरह चलता रहा। और मैं मथुरा की जनता से, ब्रज की जनता से ये आप कहना चाहूंगा कि आप एक बार जो है बद्रीनाथ के दर्शन करने अवश्य आए। और एक भाव और है मेरा कि जिसने, जिसके मन में बद्रीनाथ धाम जाने का अगर विचार हो तो यहाँ बद्री धाम आकर के पहले दर्शन कर ले, तो भूतेश्वर के किराए के पास में जो है बद्री धाम है जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ यदि दर्शन कर लिए तो इनकी ऐसी कृपा हो जाएगी कि बद्री धाम में पहुंच जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्या कहेंगे जिस तरह से जमीनों को मथुरा में कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर की हो या किसी भी चीज की जमीन हो, आजकल भूमाफियाओं द्वारा अक्सर देखा जा रहा है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सार्वजनिक जगह तोड़ी जा रही है और उन पर कब्जे किए जा रहे हैं, कहीं देखने को मिला यहाँ बद्रीनाथ मंदिर पर? देखिए, तोड़ने वाले का काम तोड़ना और जोड़ने वाले का काम जोड़। इस मुहर्रम में मेरी बहन, मेरे भाई संजय धन्य चतुर्वेदी जी इस तरीके से लगे हुए हैं इन मंदिर को। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है, आज ठाकुर जी बद्री विशाल जी का अभिषेक हुआ, ताला खुला। और जिसने भी ये मंदिर की जगह खरीद लिया उसका विनाश निश्चित है। ठाकुर जी अपना वैभव दिखाते जा रहे हैं, चाबी मिल गई, मंदिर का ताला खुल गया, आज अभिषेक हो गया और आगे मंदिर का विस्तार भी होने वाला है। क्योंकि एक काले, हमारे यहाँ बोलते हैं काले ठाकुर, काले ठाकुर की शक्ति नहीं देखी किसी ने, टेढ़े टांग वाले की शक्ति नहीं देखी किसी ने। मनमानी मत करो ठाकुर जी से, ठाकुर जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो मेरा तो ये प्रार्थना है कि ये लोग लगे हुए हैं, उनके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, और यहाँ भी ऐसे अधर्मियों की खदेड़ने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले मैं चलूंगा आगे। धन्यवाद, जय बद्री विशाल। ये यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है और भूतेश्वर महादेव के बिल्कुल सामने है ये मंदिर और बहुत प्राचीन है। मैं अपने ब्रज धाम में जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये मंदिर इतना पावन, इतना पवित्र है, आप यहाँ दर्शन करने अवश्य आइए। हम सनातन, हम हिंदू लोगों पर हमेशा ऐसा अत्याचार होता ही आ रहा है कि हमारे मंदिरों को विलुप्त किया जा रहा है, हमारी ये प्राचीन धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ, जनता से आह्वान करती हूँ कि आप आइए आगे और इन्हें बचाइए। आज प्रभु की कृपा है, प्रभु बद्रीनाथ की ही कृपा है जो उन्होंने अपने आप को यहाँ इस ताले से मुक्त करवाया। प्रभु की शक्ति को भी पहचाना नहीं है किसी ने भी, तो आप आगे आइए और सब में ये फैलाइए, ये बताइए कि ब्रज में ऐसे मंदिर है, ये खाली एक मंदिर नहीं है, ऐसे बहुत सारे मंदिर है प्राचीन जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, जिनको दबाया जा रहा है। हम सभी को उनको आगे लेकर आना है, उनको दिखाना है और प्रदर्शित करना है कि हमारे ब्रज में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर है और इनको हम विलुप्त होने नहीं देंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे। जैसे बद्रीनाथ मंदिर का आज अभिषेक हुआ है और ये 7 दिन से बंद थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी 7 तालों में बंद थे, ऐसे ही आज इनका भी खुले, क्या कहेंगे इसका?
मैं सभी ब्रज के वासियों से यही कहूंगी कि एक बार बद्रीनाथ जी को दर्शन आके जरूर करें, एक बार बद्रीनाथ जी के आके सभी दर्शन जरूर करें। यहाँ भी बद्री धाम है मथुरा में अपने में। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने जमीन को बेच दिया सिर्फ छोटे से कुछ लालच पैसे में? जब कोरोना काल में देखा गया था कि माँ बाप मर रहे हैं, बच्चे देख नहीं रहे, जिन बच्चों के लिए माँ बाप पैसों का इंतजाम करते हैं और पढ़ा करते हैं, वही बच्चे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं सम्मिलित थे और वही लोग फिर ऐसी ही हरकत कर रहे हैं। ठाकुर जी उनको अपने चरणों में जगह भी नहीं देगा और जहाँ तक है उनका सर्वनाश होगा। जिन्होंने ठाकुर जी की जमीन गवाने की कोशिश की है उनका तो नाश का।